जय हिंद। आपको आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जल्दी लोग कहते हैं गाय दूध देती है, गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह कोई भी बिजनेस के अंदर, बिजनेस प्रॉफिट देता नहीं, उसको निकालना पड़ता है। एक बार हम किसी क्लाइंट का टेंडर भर रहे थे और वो रेट इस तरह का था कि हम उसमें कुछ भी कम कर दें तो नुकसान हो रहा था। तो हमारे लोगों ने एक कमेटी बनाई कि किस तरह से इस ऑलरेडी जो रेट क्लाइंट ले रहा है उसमें से हम 15% 20% कैसे कम करें। तो कमेटी ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे एक हमेशा ये रहता है कि जो इम्पॉसिबल है उसको ही पॉसिबल बनाना, अल्टीमेटली इसमें काम करना शुरू किया। तो उसका जब हमने सामान ले जाते हुए देखा तो उस वो सामान सभी ट्रेलर के ऊपर ही जाता था। जैसे आपने रोड के ऊपर देखा होगा एस्कोर्ट की मशीनें, जेसीबी की मशीनें, ऐसे सिंग सीटर की मशीनें, ये मशीनें रोड के ऊपर जाती है बड़े बड़े ट्रालों में। ट्रालों का साइज होता है 40 फीट का, 40 फीट का। और उन मशीनों के अंदर जिस तरह की मशीन जो जाती है वो अक्सर ही कम से कम 20 फीट जगह कवर करती है और मैक्सिमम वो 30-32 फीट जगह कवर करती है। तो हर ट्राला 4 फीट से लेकर 20 फीट तक खाली रहता है, और खाली रहता है तो उसमें हवा जाती है, हवा का तो कोई भाड़ा मिलता नहीं हमारे को। तो हमने सोचा क्यों ना इस खाली जगह को यूटिलाइज किया जाए। अब किया कैसे जाए, हमारे पास इससे पहले एक प्रोडक्ट निकाला था हमने, जो पिछले एपिसोड में हमने कहा आपको, जिसका नाम है ट्रकिंग क्यूब, छोटे छोटे स्मॉल कंटेनर्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह पर अपने स्मॉल कंटेनर भरे जाए। तो हमने कभी 4 फीट का कंटेनर, कभी 8 फीट का कंटेनर, कभी 12 फीट का कंटेनर, जितनी जगह उतनी ही जगह को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। जो मानो 1 लाख का भाड़ा था, हमने उसको 85,000 में इसको कोट किया। तो हमने जो सामान डालना शुरू किया कंटेनर में, वो 25-30-40 हज़ार का सामान डालना शुरू किया। तो यानी कि 85,000 प्लस 35,000, 30,000 हम जोड़ेंगे तो हमारा भाड़ा बन गया 1,15,000। तो उस एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए हमने अपनी बैलेंस शीट को भी अच्छा किया, हमारे क्लाइंट के लिए भी कम किया। यानी कि यहाँ पर ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि हम ये सोचें कि मैं मेरे क्लाइंट के लिए कैसे बेनिफिट करूँ, तो आपको इतने आइडिया आ जाएंगे जिसमें क्लाइंट का भी बेनिफिट होगा और आपकी बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत बनेगी। ये कंटेनर वाला जो मैंने फार्मूला बताया, ये इंडस्ट्री में इतना हिट हो गया कि हम किसी के पास भी जाए हर व्यक्ति कहता कि आप हमारा काम करो। धन्यवाद।